मैं भगवान की ही तरह वाणी बोल करके लक्ष्मण जी को बुलाता हूँ। जो जगत जननी सीता ने भगवान के राम के वचनों की तरह सुन करके ध्वनि लक्ष्मण जी से प्रार्थना की, तुम जा करके उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण रेखा खींच करके वहां से पधारते। उसी समय बीच में रावण आकर के प्रार्थना करता है, दीक्षां मेरे जी। लक्ष्मण रेखा के अंदर रह करके भिक्षा देती हुई सीता को कहता है, योगी सन्यासी लक्ष्मण रेखा के भीतर की भिक्षा नहीं लेते। बाहर आकर के जैसे ही भिक्षा देने लगी, उसी समय अपने रस में बैठा करके लंकापुरी की ओर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। विमान में जाते हुए सुग्रीव आदि बानरों को, हनुमान आदि बानरों को देख करके उन्होंने अपने कुछ अलंकरण धरती पर गिराया, जिससे भगवान अन्वेषण करते हुए किस ओर ये राक्षस हमें लिए जा रहा है इसका बोध होगा। जटायु ने भी अपने भगवान की सेवा के लिए रावण से युद्ध तो किया, परंतु अवस्था के अनुसार उसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं रह गई।